हेलो एवरीवन, देर इज़ एन अपडेट। जो भी लोग बाहर से एमबीबीएस करने जा रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं अब्रॉड से या फिर करने का सोच रहे हैं, उनके लिए एक अपडेट है जो इम्पोर्टेंट है। काफ़ी अभी एक ड्राफ्ट बना है, मतलब कि अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है। ये अभी अभी मतलब जैसे कि अभी डिबेट के लिए रखा जाएगा पार्लियामेंट में। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है अभी, उसके बाद ये लॉ बनेगा, बिल पास होगा फिर लॉ बन जाएगा। बट ये अभी कच्चा पक्का सही है, अभी श्योर नहीं है। इनका ये है कि जो लोग बाहर से एमबीबीएस करके आ रहे हैं, उनको एक तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, उनकी जिस भी कंट्री के अंदर जहाँ से उन्होंने एमबीबीएस करी है, और वो लाइसेंस एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंडिया में करते हो, अगर आपका दिल्ली है तो दिल्ली का रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए वैलिड होता है। मोस्ट ओवर काफ़ी स्टेट्स के अंदर 5 साल के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, आप उस कंट्री का देख लेना, उस कंट्री में आपकी एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैलिड है क्या नहीं। ठीक है, और इसके बाद ये है कि इन एक नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू तो जो इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी देना पड़ेगा। बट ये है कि जो एफएमजीज हैं उनको एक, ये जो नेक्स्ट वन है एक तरह से स्टेप वन है। इसके अंदर क्या होता है कि इन्होंने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स डाले हैं थर्ड और फोर्थ ईयर के। और नेक्स्ट टू के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, वाइवा वोस होगा, प्रैक्टिकल स्किल्स देखेंगे आपकी। ठीक है, बट एफ एम जीज के लिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक स्टेप वन और इंक्लूड कर दिया, एक एडिशनल स्टेप और कर दिया इसके अलावा, नेक्स्ट वन के अलावा। इसके अंदर क्या होगा कि प्री और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स इनके अंदर जिन्होंने इंडिया से एमबीबीएस करी है उनको ये वाला स्टेप नहीं देना पड़ेगा, बट जो बाहर से एमबीबीएस करके आ रहे हैं उनको ये स्टेप देना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होगा, प्री और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के टेस्ट किया, एक अलग से टेस्ट होगा, उसके बाद वो नेक्स्ट वन देंगे, और उसके क्लियर करने के बाद वो नेक्स्ट टू देंगे। इस स्टेप के अंदर फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये सारे के सारे मतलब इंक्लूड होंगे इसके अंदर। ठीक है, और एक और बात ये है कि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है नेक्स्ट, आपको आपको 2 साल के अंदर कंप्लीट कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एमबीबीएस 2023 में कंप्लीट हुई है तो आपको 2025 तक ये जो स्टेप वन है, मतलब जो नेक्स्ट वन से पहले वाला क्लियर कर लेना है, फिर नेक्स्ट वन क्लियर करना है और नेक्स्ट टू क्लियर करना है, और इन सब की ड्यूरेशन 2 साल के अंदर होनी चाहिए। ऐसा ही इस ड्राफ्ट के अंदर लिखा गया है। अभी ये सिर्फ सजेशन है, ये पार्लियामेंट में जाएगा, इसके ऊपर डिबेट होगा, हो सकता है मॉडिफाई हो जाए, हो सकता है ये ऐसा का ऐसा ही हो जाए, फिर ये बिल बन जाएगा प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद, फिर ये लोग